जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि गुजरात और मुंबई के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा चुका है और इस मुकाबले के बाद कैसे पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल चुका है, कौन सी टीम कौन से नंबर पर आ गई है और किस टीम को बड़ा झटका लगा है, मुंबई को कैसे फायदा हो गया, पूरी डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉइंट्स टेबल से जुड़ी। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी गुजरात और मुंबई के बीच मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। जहां दोस्तों आईपीएल 2022 के 51वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम गुजरात टाइटंस को 5 रनों से करारी शिकस्त दी है और इस मुकाबले के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तो वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए थे और इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में महज 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन ही बना सकी और वहीं लिहाजा 5 रनों से इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने जीत दर्ज की। तो वहीं दोस्तों अब पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस की जीत के बाद काफी बड़ा बदलाव हो चुका है। जहां पॉइंट्स टेबल में अब मुंबई इंडियंस की टीम को कुछ फायदा पहुंचा है तो वहीं गुजरात की टीम को बड़ा झटका लग गया है। जैसे कि आप सब यहां पर पॉइंट्स टेबल में देख सकते हो कि पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जहां गुजरात की टीम ने 11 मैचेस अभी तक खेले, 8 में इनको जीत मिली है, 3 में इनको हार का सामना करना पड़ा और 16 पॉइंट्स के साथ ये पहले नंबर पर है। तो वहीं बात करें दूसरी टीम के बारे में, जो दूसरी टीम निकल कर आती है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जहां पर लखनऊ की टीम ने 10 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 7 में इनको जीत मिली है, 3 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 14 पॉइंट्स के साथ ये दूसरे नंबर पर है। तो वहीं बात करें तीसरी टीम के बारे में, जो दोस्तों तीसरी टीम निकल कर आती है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अभी तक कुल मिलाकर 10 मुकाबले खेले हैं, 10 में से 6 में इनको जीत मिली है, 4 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 12 पॉइंट्स के साथ ये तीसरे नंबर पर है। तो वहीं बात करें चौथी टीम के बारे में, जो दोस्तों चौथी टीम निकल कर आती है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जहां बैंगलोर ने 11 में से 6 मुकाबले अभी तक जीते हैं और 5 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 12 पॉइंट्स के साथ बैंगलोर की टीम चौथे नंबर पर है। तो वहीं बात करें पांचवी टीम की, जो पांचवी टीम निकल कर आती है वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां दिल्ली की टीम ने 10 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 5 में इनको जीत मिली है, 5 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और शानदार नेट रन रेट के साथ ये 10 पॉइंट्स से लेकर 5वें नंबर पर है। तो वहीं बात करें छठी टीम के बारे में, जो दोस्तों छठी टीम निकल कर आती है वह सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जहां हैदराबाद ने 10 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 5 में इनको जीत मिली है, 5 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और इनका भी नेट रन रेट काफी ज्यादा अच्छा है और 10 पॉइंट्स के साथ ये छठे नंबर पर है। तो ये बात करें सातवीं टीम के बारे में, जो सातवीं टीम निकल कर आती है वह पंजाब किंग्स की टीम, जहां पंजाब ने 10 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 5 में इनको जीत मिली, 5 में इनको हार का सामना करना पड़ा और 10 पॉइंट्स के साथ ये 7वें नंबर पर है। तो ये बात करें आठवीं टीम के बारे में, जो दोस्तों आठवीं टीम निकल कर आती है वह है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां कोलकाता की टीम ने अभी तक कुल मिलाकर 10 मुकाबले खेले हैं, 10 में से 4 में इनको जीत मिली है और 6 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 8 पॉइंट्स के साथ ये 8वें नंबर पर है। तो बात करें नौवीं टीम के बारे में, जो दोस्तों नौवीं टीम निकल कर आती है वह है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अभी तक कुल मिलाकर 10 मुकाबले खेले, 10 में से 3 में इन्हें जीत मिली और 7 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 6 पॉइंट्स के साथ यह 9वें नंबर पर है। तो वहीं 10वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है, 10 मैच खेले अभी तक, 2 में जीत, 8 में हार का सामना इन्हें करना पड़ा और 4 पॉइंट्स के साथ ये 10वें नंबर पर है। तो ऐसे में दोस्तों यही थी पूरी पॉइंट्स टेबल आईपीएल 2022 की मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मुकाबले के बाद। बाकी अब आप सभी की क्या राय है इस पॉइंट्स टेबल को देखने के बाद, आप क्या मानते हो कि कौन सी टीम पहली होगी जो कि क्वालिफाई करेगी, आप अपनी कीमती राय और विचारों में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।